तब हम बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाएंगे, और ये तभी होगा जब हम इकट्ठे होंगे। ये इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जब तक हम मिल बैठ कर बात नहीं करते, विभाजन बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ विभाजन बढ़ता जा रहा है बल्कि खाई का प्रयोग है, खाई बनती जा रही है हम लोगों के बीच में। इवन हमारे जो बाबा साहब थे, उनके कौन उनकी विरासत को संभाल रहा है या किसका बाबा साहब है, इसके ऊपर भी आज लड़ाई है। आज एक खास जाति हमारी भारत की, दलितों की, वो ये मानती है कि बाबा साहब हमारे थे। दूसरी खास जाति है, वो ये मानती है कि नहीं, वाल्मीकि हमारे थे, बाबा साहब हमारे थे। तीसरी जाति है कि नहीं, ना वाल्मीकि हमारे थे ना बाबा साहब ने हमारे साथ काम किया। ओबीसी जिसको आप कहते हो, उनका एकदम प्रश्न है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो ये जो लेयर्स हैं, इस लेयर्स को जितना ज्यादा हम खत्म कर पाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और खासकर डिस्पोरा से हम लोगों को ये उम्मीद है कि कम से कम वो भारत की जाति व्यवस्था को बाहर ना फैलाए, वो ना बटे हो कम से कम। हम भारत की तो जड़ है जाति व्यवस्था, वहां हम संभाल लें, हम उसको झेलते आ रहे, लेकिन बाहर भी अगर वो दिखाई देती है, खासकर जो इतने मतलब वेल इकोनॉमिक वेल सेटल्ड हर तरह से जो सक्षम है, अगर उनमें भी हमें इस तरीके का आपसी विभाजन दिखाई देता है तो ये दुखद है। मुझे लगता है यही करना चाहिए। आज के दिन गवर्नमेंट दलितों के लिए की कर रहे हैं, आज के दिन की पॉलिटिक्स अपनी और जिदा इंडिया की जिदा जिन पार्टियां गवर्न कर रहे हो, बीजेपी है, बीजेपी दलितों के लिए आज की कर रहा है। बर्बाद का मुझे बीजेपी वालों से, मेरा तो सब्जेक्ट भी संस्कृत वाला ही है, मैं जो इम्प्लाइज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो संस्कृत वाली है, और आपको पता है संस्कृत वाले तो बीजेपी के ही होते हैं। मैं नहीं हूँ, लेकिन ये बता दूँ मैं आपको, क्या बहुत महत्वपूर्ण है सवाल, और इसको सिर्फ मेरे जवाब से संतुष्ट आप नहीं हो पाएंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि इसमें कम से कम 10 मिनट मुझे चाहिए एटलीस्ट बोलने के लिए, और टीचर तो बोलने के खाते हैं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी आपस में बात करें, क्योंकि मेरा ही टाइम ज़्यादा ना लगे, समय का अभाव। देखिए, मेरा जो मानना है कि आज की जो भारत की राजनीति है वो बहुत चलाकी शब्द तो इसमें छोटा होगा, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। माइक्रो लेवल पे इस तरह से कि आज का जो भारत का दलित है वो इतना कमजोर नहीं रहा जो पहले था, मुझे इसमें कहने में कोई भ्रज नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादियां या फिर पहाड़ों में जंगलों में रहने वाले हमारे भाई बंधु आज भी पिछड़े हैं, लेकिन फिर भी आजादी के बाद से या भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों के बाद से दलितों ने तरक्की की है, चाहे वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, बैंक हो, मीडिया हो, अपना मेडिकल हो, इंजीनियर हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें दलितों का आज प्रतिनिधित्व है। और यही वजह है कि आज, पहले भी था लेकिन आज भी, दलित उतना ही निर्णायक भूमिका में है जितना कि दूसरा समाज। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज कम से कम दलितों को इग्नोर करके नहीं चल सकती। जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, दलितों को किस तरीके से उन्होंने उनकी आवाज को किस हद तक ऊपर उठाना है और किस हद तक दबाना है, इसलिए मैंने माइक्रो का प्रयोग किया था। क्या उनको दिया जाना चाहिए जिससे वो दबे रहे, उनकी जुबान बंद रहे, क्या उनको नहीं दिया जाना चाहिए जिससे उनकी जुबान ना खुले, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में आज की राजनीतिक पार्टियां करती हैं, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां। दलितों के लिए जब भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इस चीज को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि उनको इतना तो दे दिया जाए जिसमें वो संतुष्ट हो। और हम लोग भावुक बहुत होते हैं। अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के बताऊं, दिल्ली में इलेक्शन हुआ पिछले दिनों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, सबसे ज्यादा सीट
जो भारत की राजनीति में एक दो लोकल पार्टीज को छोड़ के पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की आई, दो पार्टियों को छोड़कर, झारखंड की तरफ से या आई थिंक दो पार्टी का एक और आ चुका था जिनको पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसमें जो सबसे बड़ी जो भूमिका में थे वो एक दलितों में भी खास वर्ग के लोग थे। क्यों थे? ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए थे क्योंकि उनका निशान झाड़ू था और जैसे ही हमारे लोगों ने झाड़ू देखा उनको लगा कि बस सत्ता तो हमारी है और उन्होंने देखा ना तो बिना सोचे समझे क्या एजेंडा है वो क्या करेंगे आगे, बिना सोचे समझे सपोर्ट किया और आम आदमी पार्टी सत्ता में बिठा दी। अब आप ये देखिए वही झाड़ू जिसको 1817 आई थी, मुझे डेट में कंफ्यूजन हो सकता है, जब भारत तो एक तरह से ब्रिटिश रूल के अंदर में था, उसी झाड़ू ने बहुत बड़ी एक हड़ताल की थी दिल्ली में और उस हड़ताल का जिक्र उस जमाने में ब्रिटिश गैजेटियर में भी मिलता है, मैं उसी का हवाला दे रही हूँ आपके सामने। वो लिखते हैं कि ये जो हड़ताल हुई ये भारत के इतिहास की पहली हड़ताल थी जिसने दिल्ली में रहने वाले लोगों की नाक में दम कर दिया था और अगर ये एक बहुत अच्छे एजेंडे को लेकर हड़ताल की होती तो भारत का नक्शा कुछ और होता। वो लिखते हैं क्यों? क्योंकि उनकी जो हड़ताल की मांगे थी, जिन मुद्दों को लेकर वो हड़ताल की गई, वो मुद्दे क्या थे? हमें लंबे वाला झाड़ू चाहिए, छोटा मिलता था पहले सड़क पे मारने वाला, हमें लंबे वाला झाड़ू चाहिए, ये उनकी मांग थी। हमें सिर के ऊपर टोकरी जो उनकी बनी होती है, ये जो खेतों में जो उगाया जाता है लकड़ी टाइप से, हाँ उन्होंने ये कहा कि जो टोकरी है ये टोकरी, क्योंकि इस टोकरी के में जो ऊपर गंद रखा जाता है वो नीचे छन के आता है, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए टोकरी स्टील वाली होगी, मतलब लोहे वाला, जो तसला जिसको कहेंगे, जो कवर होता है जिसके ऊपर नीचे से कुछ निकल के ना जाए ना, ऐसा ना। उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए, फिर कहा कि हमें ड्रेस चाहिए, वर्दी पहने, ये उनके एजेंडे थे मुद्दे हड़ताल, बहुत बड़ी हड़ताल। वो लिखते हैं कि ये जो एजेंडे जो जिसको लेकर हड़ताल की गई है, अगर इन एजेंडों के अलावा, ये मतलब इन एजेंडों की बजाय भारत आजादी की मांग करता, ये जितने भी ये सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर उतरे हैं ये मांग करते कि हमें मतलब सारी सुविधाएं दी जाए या हमें मतलब सरकार का पक्का इंप्लाइज हो, हमारे मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, हमें कैशलेस स्कीम के अंदर आना चाहिए, हमें भत्ते दिए जाने चाहिए, ऐसी जो जनवर जो एक बड़े फलक की जो हमारी मांग होनी चाहिए, अगर ये होती तो उस जमाने के लोग या मतलब उस जमाने का जो राज था वो उसको स्वीकार करता और ये बहुत बड़ी हड़ताल थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी मांगे बहुत छोटी थी, बहुत छोटे लेवल पे थी। ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है कि हमारी मानसिकता यही है, यही मानसिकता उस वक्त तो थी ही, अब दिल्ली के इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ वही मानसिकता हमें दिल्ली के इलेक्शन में भी दिखाई दी। हमें लगा कि नहीं झाड़ू तो हमारा ही है, इसलिए हमें बिना सोचे समझे उस झाड़ू के ऊपर, मतलब हम आज भी हमें झाड़ू ही चाहिए, झाड़ू के अलावा भी तो सोचना चाहिए। बाबा साहब ने जब एनसीडी के ऊपर बात की महाराष्ट्र में बॉम्बे में, बॉम्बे म्यूनिसिपल कमेटी का अमेंडमेंट जब हुआ तो बाबा साहब ने इसी को और इशारा किया था कि हमें अपने पेशों को छोड़ना होगा, जब तक हम अपने मूल पेशों को नहीं छोड़ेंगे जो हमें हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं या जिनको हम अपना पेशा मानते हैं। ये जो समाज है वाल्मीकि समाज, बंगी समाज, ये अपनी जो विरासत जिसको मान रहा है, विरासत मतलब कितने घरों में कौन किसके घर में कूड़ा उठाए यही उसकी विरासत है, इसको जब तक तिलांजलि नहीं देगा, चमड़े का काम हम नहीं छोड़ेंगे, गाय उठाने का काम हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम इन मूल पेशों को, मूल इन द सेंस मतलब जब जो पेशे हमारे अपनाए हुए हैं इनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते।
तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रही थी, लंबा चला गया ना। हाँ, आज की जो सरकार है वो यही कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया आज की सरकार ने, उससे पहले जो यूपीए गवर्नमेंट टू था निर्मल भारत अभियान चलाया। उस स्वच्छ भारत अभियान में और निर्मल भारत अभियान में हम कहाँ खड़े हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं वो पॉलिसीज इस तरीके से बनाती हैं कि उस पॉलिसीज में दलितों की जुबान बंद भी हो, वो विरोध भी ना करें, क्योंकि आज उनको बहुत अच्छी तरह पता है अगर आरक्षण को आप सीधे रूप से बंद करेंगे तो हमारे विद्यार्थी सड़कों पर उतरेंगे, रोहित वेमुला जैसे विद्यार्थी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, ये वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो एकदम सीधी चीज को बंद नहीं करते, बल्कि इस तरीके से उसका मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे आपकी गर्दन भी कटे और आपको पता भी ना चले। ये सरकारें करती हैं, क्यों करती है, क्योंकि मेरा जो मानना है, अपना आप डिफर हो सकते हैं, क्योंकि जो सत्ताधारी जो पार्टियां हैं जिनके हाथ में पॉलिसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो एक खास वर्ग से आते हैं, और हमारे जो नुमाइंदे करने वाले जो दलित बहुजन समाज पहुंचते भी हैं वो वफादार होते हैं। हम लोग वफादार की कौम रही है, हम लोग वफादार बहुत रहे, मार्शल कौम रही, वफादार नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे जो आज की जो राजनीतिक पार्टियों में हमारे लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो वफादारी उन पार्टियों के प्रति ज्यादा निभाते हैं बजाय हमारे साथ निभाने के। ये आपका मुझे लगता है जवाब है जी।